बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम फिलहाल स्थगित हो गया है। तो मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस बीच कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर दोबारा वार्ता कर मांगों पर निर्णय किया जाएगा। तो अपनी कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी जिन्होंने चक्का जाम किया था और तय किया था कि चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, चर्चा हुई और उसके बाद कुछ समय के लिए इस चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर दोबारा वार्ता कर मांगों पर निर्णय किया जाएगा। अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजीत, क्या वजह यही है कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई और उसके बाद ये स्थगित कर दिया गया, और अभी क्या कुछ कहना है इन रोडवेज कर्मचारियों का कि आगे अगर बात नहीं बनी तो फिर से क्या चक्का जाम की स्थिति बनपेगी? इस तरह से जो हमारी बात हुई है पदाधिकारियों से रोडवेज संगठन के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी मुख्यमंत्री से आश्वासन जरूर मिला है उनको वार्ता के बाद, या फिलहाल अपने जो चक्का जाम है प्रस्तावित उसको स्थगित कीजिए, आपकी मांगों पर सकारात्मक फैसला शासन की तरफ से लिया जाएगा। और जो पदाधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री की बात को माना भी है और कुछ समय के लिए अपने चक्का जाम को स्थगित किया है, लेकिन इतना भी उन्होंने कर दिया है कि कुछ समय के लिए ही होगा ये, केवल उसके बीच में अगर वार्ता होती है और उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला सरकार लेती है तो आगे प्रस्तावित चक्का जाम है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी का जो उनका निर्णय है वो यथावत है, केवल इतना है कि हफ्ते भर के अंदर अगर सकारात्मक फैसला होता है सरकार की तरफ से कोई निर्णय आता है। अजीत, मांगे क्या है इन कर्मचारियों की और क्या इस पर निर्णय सरकार ले सकती है, क्या मंशा ऐसी दिख रही है सरकार की? बिल्कुल, अगर कर्मचारियों की मांगों की बात की जाए तो इनका सबसे पहली और प्रमुख मांग है सैलरी को लेकर। जो इनकी सैलरी है वो अभी की अगर बात की जाए तो 3 महीने से कोई भी वेतन किसी भी रोडवेज कर्मचारी को नहीं दिया गया है। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये खुद कमाते हैं और खुद इनका स्वायत्त संस्था के तौर पर रोडवेज काम करती है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी इनको सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है, 3 महीने से लगभग वेतन नहीं दिया है, उसकी डिमांड है। इसके अलावा जो रोडवेज की वर्कशॉप है वहाँ पर सामान को लेकर इनकी डिमांड है कि समय समय पर सामान लाया जाए जिससे ये और बेहतर तरीके से बसों का संचालन कर सके। तो ऐसे कुल मिलाकर करीब आधा दर्जन से ज्यादा मांगे हैं जिस पर फैसला लेना है शासन को, और शासन है कि जो इनकी मांगों पर लगातार वार्ताएं जरूर करता है लेकिन निर्णय निकल कर नहीं आ पाता, जिसके बाद अब चक्का जाम जैसी भूमिका में इनको उतरना पड़ा। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने पहल की है, वार्ता की है, निर्णय लेने की बात भी की है, तो इंतजार है रोडवेज कर्मचारियों को भी कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक फैसला है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।